मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुंचका पंचायत के 16 नंबर के लोग इन दिनों बिजली की समस्या से काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन उमस भरी गर्मी में आए दिन बिजली काट दी जाती है, जिनसे भीषण गर्मी में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली काटने से बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ लोग गर्मी पानी जैसी समस्याओं को झेल रहे हैं। ग्रामीण ने बिजली विभाग से क्षेत्र में जल्द से जल्द बिजली दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि लोगों को इस गर्मी से निजात मिल सके। दो दिन से तीन दिन से लाइन करके रखा हुआ, फॉरमैन कहता है जानते काफी बार अपना चेक करो लाइन, उधर हम लोग सब चेक करा कर रेडी करके रखे हुए समझे। मगर यहाँ जो फॉरमैन बन गया है, मतलब कि बिजली मिस्त्री, वो सगड़ो काट के रख ले हुआ है, काट के रखा हुआ है, सोच लीजिए लाइन। वो देखिए आ रहा है बाबू साहब, क्यों काटा है, क्यों काटा है, बोलता है केवल इधर फॉल्ट है, अब फॉल्ट कहीं भी नहीं है, हम लोग को कहीं फॉल्ट नहीं, अपने खुद चेक करते हैं, खुद बनाते हैं लाइन अपने, मगर ये लोग मतलब काट के रखा हुआ है। मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, रहने वाला निवासी हूँ। हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत लाइन जो बार बार काट लिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, इतना गर्मी, भीषण गर्मी है, जिसके कारण हमारे ग्रामीण वासियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बच्चों को पढ़ने लिखने में रात को लाइन कटता है, उससे दिक्कत होती है। यहाँ पे आते हैं दो नंबर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बताया जाता है कि आप लोग के लाइन में कुछ फॉल्ट है, और जब हम लोग जांच पड़ताल करवाते हैं लाइन में, तार वार में, ट्रांसफार्मर में, तो पता चलता है कि हम लोग के तरफ कोई तरह की दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी हम लोगों का लाइन काट दिया जाता है यही बोल के कि आप लोग के लाइन में फॉल्ट है। तो हम लोग इन लोग से यही और यहाँ के अधिकारियों से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी दिक्कत है उसका हल निकाल के हम लोगों को लाइन देने का प्राथमिकता से काम करें, और लाइन से हम लोग को संतुष्ट करें।